पार्टनर को खुश करने के दो गजब तरीके। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी अपने पार्टनर को खुश करने की बात आती है, जब भी उन्हें कुछ दिखाने की, कुछ समझाने की, अच्छी फीलिंग देने की बात आती है, तब हमें ये दो तरीके अपनाने चाहिए। पार्टनर को खुश करना आपकी भी जिम्मेदारी है। कई बार हमें ये सोच आती है कि हमें उनको खुश करके क्या मिलेगा, हमें क्यों करना चाहिए। नहीं, आपकी भी ये जिम्मेदारी है। तो चलिए वो तरीके जानते हैं। सबसे पहला तरीका, गोल्डन टाइम देना। आप कहेंगे गोल्डन टाइम क्या है? गोल्डन टाइम मतलब आप टाइम तो देते होंगे, लेकिन ऐसा गोल्डन टाइम, सिर्फ आपने आधा घंटा ही दिया, लेकिन उस आधे घंटे को वो भुला नहीं पा रहे। उस आधे घंटे में आपने वो कुछ किया जो उनकी ज़रूरत थी, वो किया जो उनके दिल को छू गई, और वो आधे घंटे में वो दूसरी चीज़ के बारे में सोच भी ना पाए। इसे मैं गोल्डन टाइम कहता हूँ, वैल्यूएबल टाइम कहता हूँ। हम टाइम तो देते हैं, लेकिन कभी कभी गोल्डन टाइम देना, जैसे कि वो बहुत दिनों से कोई एक काम में बहुत ही बिजी है, बहुत ही अनकम्फर्ट फील कर रहे, तो आप अचानक से उनको कोई नदी के किनारे या कोई समंदर के किनारे ले जाकर बैठते हो, दोनों आराम से कुछ उनकी मनपसंद चीज़ें खिलाते हो और वहाँ पे अच्छे से बातचीत करते हो, तो वो आधा घंटा उनको इतना रिलैक्स फील करवाएगा कि उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई दिनों से वो ऐसा कुछ कर रहे थे, तो आपने वो आधे घंटे में गोल्डन टाइम दिया, उनको जो चाहिए था वो दिया, उनकी नीड को समझा। और इस तरह से अगर आप कुछ कुछ टाइम पे गोल्डन टाइम देते रहते, आपका पार्टनर अपने आप ही आपसे खुश होता चला जाएगा, और यही खुशी आपके रिश्ते की एक मजबूत नींव बन सकती है। तो सबसे पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका है, उनके कोई पुराने दोस्त से अचानक उनकी मुलाकात करवाइए। समझ लीजिए कि 3-4 दिनों में एक बार अचानक से वो बात करते हैं कि मैं स्कूल में ऐसे पढ़ती थी, मेरे ये दोस्त थे, ऐसा था वैसा था, अच्छे रिश्ते थे। तो अचानक से उनसे बात करके, उनके दोस्त से अब उनकी मुलाकात करवाइए। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो सरप्राइज़ होगा। वो नहीं सोच के बैठे थे कि मुझे इस तरह से किसी की मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात आपने करवाई तो एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है। जब भी हम अपने पुराने दोस्तों से, यारों से मिलते हैं, तो वो खुशी की बात ही होती है। तो ये दो गजब तरीके हैं पार्टनर को खुश करने के। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अपनाते हैं या नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे GABF रांझा मजूम लल्ला, जो भी बढ़िया अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।